फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक अभी यहाँ पे करेंटली ही अच्छा खासा रन अप किया था, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन भी अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में देखने को मिला है। उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्या यह मंदी कंटिन्यूस रहेगी अपोलो हॉस्पिटल में, यहाँ से स्टॉक अपसाइड मोमेंटम लेगा, कौन से सपोर्ट प्राइस हो सकते हैं, कौन से टारगेट प्राइस हो सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। क्या ये जो लेवल है अपोलो हॉस्पिटल में, ये बाइंग का लेवल है कि ये होल्ड करने का टाइम है? जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए होंगे वो तो अभी होल्ड कर रहे होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर सेल कर देना चाहिए कि अपोलो हॉस्पिटल जो है यहाँ पर 4000 के लेवल की ओर जाने की कोशिश कर रहा है? ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये जो क्वेरी आपकी आई थी, ये क्वेरी आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से है, ना कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से है। तो प्लीज़ अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं चार्ट पे क्या पोजीशन बनी है अपोलो हॉस्पिटल में, वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में तीन लाइन मैंने ड्रॉ की है। एक है यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, दूसरी है यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लाइन, तीसरी है रेजिस्टेंस लाइन। तो ये तीन लाइन है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली ये लाइन है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है। क्या? लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन। और ये जो है यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट लाइन है, ये ब्रेकिंग पॉइंट लाइन, यहाँ से या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेक डाउन होगा, दोनों चीज़ इस पॉइंट पे डिसाइडेबल होती हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये क्या है? रेजिस्टेंस लाइन, इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन है। क्या है? इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करता है यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। और अगर बाय द वे लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी अप एंड डाउन कैंडल, बड़ी बड़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल जो है यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में जो यहाँ पे लिया था सपोर्ट 4000 के लेवल पे, तो वो 4000 रुपये का लेवल आता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़े आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अभी तो अच्छा खासा मूव किया था यहाँ पे, 6000 के लेवल के आसपास तक गया था अपोलो हॉस्पिटल, और उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड फिर से चालू हुआ अपोलो हॉस्पिटल में। और अभी यहाँ पे जो करंट है प्राइस है 4786 रुपये पे ये अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड हो रहा। पिछले जो ट्रेडिंग सेशन में है यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पर 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, इसके कारण यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में वीकनेस बन गई है। तो अब यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा ये डिसाइड करेगा। ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे, ब्रेकिंग पॉइंट एक लाइन है, ये भी डिसाइड, मतलब ये सपोर्ट के तौर पे ही काम करेगी 4500 रुपये। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये जो ब्रेकिंग मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट के तौर पर इसके अपोलो हॉस्पिटल के लिए काम करेगा। तो ये चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।